भारत एक ऐसा देश है जहां पर संस्कार, संस्कृति और अपनी धरोहर को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत संस्कृति के अनुसार शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कई महिलाओं के मन में सवाल आता है कि आखिर हमें सिंदूर क्यों लगाना पड़ता है, या फिर सिंदूर लगाने के बाद ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि यह सुहाग की निशानी होती है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख समृद्धि के लिए सिंदूर लगाती हैं। लेकिन जाने अनजाने में महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसका बुरा असर उनके पति के भाग्य पर पड़ता है और साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सही नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर सही ढंग से लगाना चाहिए और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप नवविवाहिता है या फिर आपके शादी को कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए ही अपनी मांग भरे, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। जैसे हम आधुनिक बनते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। आज के फैशन के जमाने में महिलाएं सिंदूर तो बस दिखाने के लिए थोड़ा सा ही लगाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। महिलाओं को शायद यह नहीं पता कि उनकी इस आदत का भुगतान उनके पति को करना पड़ सकता है। शास्त्र की माने तो सिंदूर मांग में दिखाई भी देना चाहिए। सिंदूर छुपाने से पति को मान सम्मान नहीं मिलता। आज के समय में महिलाएं बहुत ही कम, या हम ये कहेंगे चुटकी भर, सिंदूर मांग में भरती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपनी मांग लंबी भरनी चाहिए। यदि महिला अपनी मांग सिंदूर से लंबी भरती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, उसके पति को हर जगह इज्जत मिलती है। अपने पति की सफलता और उसके मान सम्मान के लिए महिलाओं को लंबी मांग ही भरनी चाहिए, न कि माथे पर छोटी लाइन का सिंदूर लगाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे जब भी अपनी मांग भरे या अपने मांग में सिंदूर लगाए तो उनकी मांग में सिंदूर नाक की सीध में लगा होना चाहिए। आज के समय में महिलाएं फैशन को फॉलो करते हुए टेढ़ी मेढ़ी मांग भर लेती है, या फिर जैसा उनका हेयर स्टाइल होता है उसके हिसाब से अपने सिंदूर को एडजस्ट कर लेती है। शायद उनको नहीं पता है कि टेढ़ी मेढ़ी मांग भरने से या सिंदूर लगाने से उनके पति के भाग्य पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग भरती है उनके पति हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। अगर आप अपने पति का भला चाहती हैं तो ध्यान रखें कि आप सिंदूर हमेशा एक सीध में ही लगाएं। जो महिलाएं बाहर काम करती हैं या फिर घर के काम में ज्यादा व्यस्त रहती हैं तो वह रोजाना सिंदूर नहीं लगा पाती। वह किसी तीज त्योहार पर ही सिंदूर लगाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप प्रतिदिन अपनी मांग सिंदूर से अच्छी तरह से भरे। यदि आप ऐसा नहीं करेगी तो इसका बुरा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, साथ ही आपके पति का रिश्ता आपसे सही नहीं चल पाएगा।